दोस्तों, हमें पता है कि लॉकडाउन में आप सबसे ज़्यादा जिस बात को मिस कर रहे हैं वो है थिएटर में जाकर फिल्म देखना। और फिल्मों को मिस करना लाजमी भी है, क्योंकि इस साल एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली थी जिसका इंतजार आप कई महीनों से कर रहे थे। दोस्तों, इस साल अमिताभ बच्चन की 4 फिल्में आने वाली थी, जिसमें से एक फिल्म यानी कि गुलाबो सिताबो को OTT पर रिलीज किया जा चुका है, जबकि बाकी फिल्मों की रिलीज को फिलहाल टाल दिया गया है। और इन्हीं फिल्मों में से एक थी झुंड। दोस्तों, फिल्म झुंड का पहला लुक फरवरी 2019 को जारी किया गया था। फिल्म का आधिकारिक टीजर जनवरी 2020 में टी सीरीज ने रिलीज किया। इससे पहले फिल्म की रिलीज कई बार टाली जा चुकी थी। टीजर रिलीज करते समय फिल्म की रिलीज डेट मई 2020 बताई गई थी, लेकिन थिएटर्स नहीं खुलने की वजह से अब फिल्म की रिलीज को फिर से टाल दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म इस साल के आखिर में नजर आएगी। इस वीडियो में हम आपको फिल्म के कई एक्सक्लूसिव जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, झुंड एक स्पोर्ट्स जॉनर की हिंदी फिल्म है। ये फिल्म विजय बारसी नाम के एक शख्स की कहानी है, जो NGO स्लम सॉसर ग्रुप का फाउंडर होता है। फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर अमिताभ बच्चन, आकाश ठोसर और रिंकू राजगुरु नजर आएंगे। फिल्म के निर्देशक हैं नागराज मंजुले। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग 2018 में नागपुर से शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि फिल्म में अमिताभ बच्चन एक प्रोफेसर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, जो सड़क पर फुटबॉल खेलने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। साथ ही उन्हें मिलकर एक टीम बनाना चाहिए और खेलना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर नागराज को वास्तविक किरदारों पर बेस्ड फिल्म बनाने और फिल्म को रियल लोकेशन पर शूट करने के लिए जाना जाता है। उनका काम काफी ओरिजिनल होता है, लोगों को खूब पसंद आता है और उनकी फिल्म झुंड में भी आपको उनकी ये खासियत देखने को मिलेगी। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग के दौरान बिग बी ने कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें वो चारपाई पर लेटे हुए और बैलगाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे थे और लिखा था कि काफी सालों के बाद उन्हें आनंद मिला है। यानी ये तो तय है कि फिल्म में डायरेक्टर का रियलिस्टिक तड़का देखने को मिलेगा। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग कोलकाता, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, फरीदाबाद और नागपुर में हुई। इस फिल्म की खास बात यह है कि फिल्म को गाँवों में रुकवाया गया था, ताकि वो उनके लेवल में आकर अपने पात्र को पर्दे पर उतार सकें। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।